और भाई राम राम, कैसे हो? चलो आज दिखाता हूँ यहाँ शाहपुर नामक का मंदिर। और ये देखो रास्ते में क्या क्या है। ये गोबर पात रखा है, इसे कहते हैं गोसे, कई जगह इसको उपले भी कहते हैं, ये और पात रखा, ये खाद बन जाएगी इसकी पूरी की पूरी। ये काले रंग का हो गया ना, ये खाद बन गया, कुछ महीने में बदल के ये खाद बन जाता है। ये पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर रखा है जगह का, सही है। और ये है शाहपुर गांव। ये ऐसे ऐसे घेर हैं यहाँ पे, ये हरियाणा के घेर। वैसे साफ सुथरा है बिल्कुल, साइड में सब कुछ कर रखा है। और ये डूम 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 तरीके का है कुछ कुछ, ये पूरा का पूरा। सारा का सारा ये खाद भी बना हुआ है इसका। मेरा ये ना पूरा काले रंग का खाद बना हुआ है, मेरा इसको कहीं भी उसमें घेर सकते हैं, खेत वेत में कहीं भी घेरो। ये है अब इस साइड, ये रहे अपना भोले बाबा का मंदिर। यार ये यहाँ पे इस साइड भी गोसे और गांव में होता है क्या, बेसिकली इनसे चूल्हा भी जला लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। ये यहाँ पे पहले कभी जोड़ था, ये अब पानी हर जगह सप्लाई का आ गया ना, तो ये पूरा गंदा पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं अभी इस पानी का यूज़, तो कोई देखभाल भी नहीं है इसकी, सारा का सारा खराब पड़ा है। ये इस साइड शायद वाटर सप्लाई का ऑफिस है गांव का, है पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है ऑफिस, पर क्योंकि थोड़ा गुलाबी से रंग का है ना, इसलिए दिख रहा है कुछ। ये है शाहपुर गांव मुरथल के पास। मेरा गांव तो वैसे राजलू गड्डी गन्नौर में, और पर सारे गांव अपने हैं, हिंदुओं के तो गांव है सारे के सारे। और ये खड़े ट्रक सारे, ये मंदिर की साइड से यहाँ से रास्ता भी निकल जाता है, और यहाँ से भी रास्ता सीधा हाईवे की तरफ चला जाता है, नेशनल हाईवे 1 की तरफ। मतलब यहाँ से जाओ और मुड़ जाओ और फिर आगे लेके एक और, मतलब लेफ्ट टर्न लेके सीधा नेशनल हाईवे पर चढ़ जाओ। बुलेट का बहुत चलन है गांव में बेसिकली, तो देखो ये है एक सामान्य गांव हरियाणा का। ये गांव में भी पार्क है छोटा सा वोरा, और ये आगे भाई मंदिर की तरफ। हर गांव में एक जोड़ एक मंदिर जरूर मिलेगा, ये भगवान श्री कृष्ण। शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आई थिंक। ये भगवान श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये रहा पूरा मंदिर परिसर। ये भोलेनाथ जी, कितनी अच्छी मूर्ति है। ये हनुमान जी, और ये शनिदेव जी का मंदिर। चलो देखते हैं अंदर, पंडित जी हैं नहीं, आज मावस है ना, तो मावस का भोजन देंगे उनको। पंडित जी नहीं है गुड़िया भाई? पंडित जी तो है नहीं अब शायद, ये पंडित जी का घर है, ये कुछ भाई घर बैठे हैं गांव के, शायद यहाँ पे होंगे।
अच्छा ये देखो पूरा साफ सुथरा पार्क बना दिया, ये पेड़ पंडित जी है नहीं भाई, पंडित जी तो है नहीं और मेरे पास बाइक नहीं, तो क्या करना है देखते हैं भाई। पंडित जी तो मिले नहीं, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे दे देते हैं भोजन और फिर मंदिर दिखाता हूँ, ठीक है। बस एक मिनट लगेगी, तो जब तक वो भोजन निकालते हैं जब तक देखते हैं यहाँ पे कितनी शांत जगह है। यहाँ आओ आराम से बैठो, भगवान का नाम लो, शांति से बैठो मस्त। वो दिखाता हूँ, ये आसपास के घर हैं सारे के सारे। तो भोले बाबा तो और हनुमान जी हरियाणा की रग रग में बसे पड़े हैं। ये रे भोले बाबा का चेहरा दिखाई दे रहा है यहाँ से, कितना प्यारा लग रहा है। जय भोलेनाथ। अंदर चलते हैं अभी थोड़ी देर में मंदिर में, फिर दिखाता हूँ। तो भाई मावस का भोजन तो दे दिया और टिफ़िन भी ले लिया वापस, अब चलते हैं मंदिर, दिखाता हूँ कि शाहपुर का जो शिव मंदिर है वो किस कैसा है। अब स्टार्टिंग करते हैं, कैमरा चेंज करते हैं दूसरी साइड। ये हैं भगवान शनिदेव जी, जय शनिदेव। और आज वैसे शुक्रवार है पर आज भी शनिदेव जी के सबसे पहले दर्शनों के दृष्टि से बढ़िया बात तो रहे ही क्या। तो थोड़ा पास लेके चलते हैं। जय शनिदेव। शनिदेव जी पे खासकर तेल चढ़ाते हैं, कहते हैं एक बार शनिदेव जी और हनुमान जी का युद्ध हो गया था, तो हनुमान जी ने शनिदेव जी को बहुत मारा। मैं शनिदेव जी के सामने बोल रहा हूँ पर क्षमा, पर ये रियलिटी है जो कथा हमारी आती है। और उसके बाद हनुमान जी ने इनको तेल लगाया था जिससे इनका शरीर ठीक हो गया। और साइड में ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी और शनिदेव जी की जोड़ी। तो जब से ये परंपरा है कि हम इनको एक मतलब प्रतीकात्मक रूप में हम इनको मतलब तेल चढ़ाते हैं सरसों का। और ये भोलेनाथ जी का टेंपल है और ये हमारे हिंदू भाई घर बैठे हैं आनंद ले रहे हैं, क्योंकि मंदिर परिसर से बढ़िया और क्या जगह हो सकती। एक बाबा जी हैं यहाँ पे, एक माता जी कपड़े लगते हुए भी धो रही हैं, क्योंकि मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होता, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सब इकट्ठा होते हैं। और ये हनुमान जी, अरे बच्चा पार्टी है। ये नंदी जी, और नंदी जी के बिल्कुल सीधे भोलेनाथ जी, भोले बाबा, जय भोलेनाथ। ये माता रानी और ये भोलेनाथ जी सह परिवार, और ये राम दरबार, और ये हमारे छोटू लाल हैं। हेलो कर दो। हेलो। राम राम। राम। ये भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। ये महादेव जी का लिंग स्वरूप होता है जिसका अर्थ होता है संस्कृत में चिन्ह, और चिन्ह ये प्रतीक है कि इनके चारों तरफ मतलब कोई दिशा नहीं, कुछ वो नहीं, सारी जगह मतलब हर दिशा हर जगह पे महादेव उपस्थित हैं, और हम इसीलिए इनकी उपासना करते हैं कि भगवान जो है वो हर जगह उपस्थित है। ये महाराज जी और ये भाईयर हैं जो शांति से यहाँ बैठे हैं अपना कार्य कर रहे हैं। चलो अब वापस चलते हैं मंदिर की तरफ, ठीक है जी, ठीक है, राम राम। चलो चलते हैं वापस मंदिर की तरफ, अब मंदिर परिसर में। तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे। तो अब थोड़ी देर शांति से महादेव जी के पास बैठेंगे।
जो हर हिंदू मंदिर में होता है, यहाँ पे परिक्रमा करने की जगह है, यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। बेसिकली जो है 7 परिक्रमाएं की जाती हैं, 7 परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग एक करते हैं, जैसे मैं एक ही कर लेता हूँ। परिक्रमा करने का अर्थ होता है कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह में जो शक्ति है, जैसे भोलेनाथ जी हैं या कोई भी शिव शक्ति है, तो उसकी ताकत हमारे अंदर आ जाए, हम उसको परिक्रमा करते हैं कि उनके आदर्श वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के अनुसार यानी हर व्यक्ति में भगवान का तत्व है और वो स्वयं भी भगवान के तत्व को अचीव कर सकता है। तो ये हनुमान जी, जय श्री राम, बाय। चलो तो ये बच्चे खेलने दो। मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होता, मंदिर का अर्थ होता है, वही बताते हैं। तो हम निकल गए मंदिर से और ये भगवान श्री कृष्ण जी का दोबारा से दर्शन करें और चलते हैं आगे और बात करते हैं। तो मैं कह रहा था मंदिर सिर्फ मंदिर का मतलब ये नहीं होता कि वो एक पूजा करने का स्थान है। मंदिर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ वेद शास्त्र और हर प्रकार की शिक्षा भी दी जाए। और मंदिर जो मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियों में जैसे आजकल एक बड़ी भ्रांति चली हुई है कि भाई मूर्ति पूजक, ऐसा नहीं होता। मूर्ति का अर्थ होता है जैसे कोई फ़ोटो या कोई चीज़ तो है नहीं हमारे पास, तो हम अपने भगवान को यानी ईश्वर तो एक ही है, पर ईश्वर के अलग अलग रूप को, उनकी शक्तियों को, अलग अलग शक्तियों को, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, तो उस चीज़ की हम मूर्ति बनाते हैं और उसे स्थापित करते हैं। और ये मानते हैं कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन वैसी है, तो वो मूर्ति भगवान नहीं है, पर वो एक इमेजिनेशन है जिससे हम जुड़े रहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ आके रिचार्ज होता हूँ, मैं यहाँ आके केंद्रित हो सकता हूँ। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं किसी मूर्ति को देख के केंद्रित हों या किसी चीज़ को देख के केंद्रित हों, नहीं। ज़रूरी ये है कि मैं यहाँ, जैसे एक लाइब्रेरी होती है, एक अलग जगह होती है जहाँ बंदा हर कार्य कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो वैसे ही ये प्लेस है कि जहाँ पे बंदा आके सिर्फ भगवान का ही ध्यान करे। तो ये ऐसे जगह होती है, ठीक है। और मूर्तियाँ केवल एक सिंबल होती हैं, केवल एक सिंबल, और जो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को अगर हम भी ख़त्म हो जाएं, सब ख़त्म हो जाएं, तो ये मूर्तियाँ हमेशा रहेंगी, यहाँ नहीं कहीं और रहेंगी। तो उससे क्या है, उन्हें पता लग जाएगा कि वो चीज़ क्या है, वो क्या थी। तो ये था एक छोटा सा टूर गाँव का, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने आप ही कर देंगे, और बाकी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगली वीडियो ज़रूर देखना। कुछ और देखते हैं, कहीं और किसी मंदिर में जाएंगे या कहीं घूमते हैं तो वहाँ पे चलेंगे। और कुछ और पूछना हो हरियाणा के बारे में या बेसिकली इंडिया के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, जितना मैं जानता हूँ और कोई भी मेरे दोस्त हैं उनसे मैं पूछ के बताऊँगा। और हरियाणा के गाँव के बारे में कुछ भी चीज़ें हैं, ये दोबारा उपले आ गए यहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और फिर उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, जो मैं कह रहा था कि वो भाइयर हैं, उन भाइयर ने सोचा पता नहीं कौन है, कौन बंदा है, जब मैं पास गया तो बोले अच्छा पंडित जी आप हो गया, अच्छा अच्छा आप थे, तो बोले अरे हमने सोचा पता नहीं कौन है, तो पूछना ज़रूरी होता है मंदिर में कौन आ गया, क्योंकि भाई हमारी संपत्ति है, अब हम एकदम से तो लेके बैठ नहीं सकते, क्योंकि आज टाइम ही ये है। शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अपनी चीज़ों की रक्षा अपने आप ही करनी पड़ती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।